क्राइटेरिया जो होता है लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी बनने का, वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, मतलब 55 सीट चाहिए होती है, ना तो कांग्रेस पाए ना तो कोई और पाया। तो लेकिन ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल फ्रेमवर्क नहीं है कि इनको स्टेटस दिया जाए। ठीक है, तो इस समय जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, इसके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो मल्लिका अर्जुन खड़गे सर है, और मल्लिका अर्जुन खड़गे सर हैं, और यही इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं। जैसा सभी लोग कहते हैं कि कांग्रेस जो कि नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद वाला काम करती है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो वो मतलब और दूसरे को लाए। फिर उसके बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद सारी चीज़ें आगे बढ़ी, और इवेंचुअली ये देखने को मिला कि नहीं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ऐसा नहीं है कि बस गांधी फैमिली से आते हैं। फिर मल्लिका अर्जुन खड़गे जो वो एससी से, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका स्टेट से। ठीक है, और कर्नाटका का जब इलेक्शन हुआ तो उसमें इनका मतलब कहते हैं ना कि जैसे मोदी मैजिक बोला जाता है, तो वैसे खड़गे मैजिक जो कि काम किया, और कांग्रेस जो कि बहुत अच्छा जो कि परफॉर्मेंस किया। ठीक है, ये हमने पहला आर्टिकल अपना डिस्कस किया। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे देखिए।